वेलकम टू रेड बॉक्स टीवी। मैं हूं आपके होस्ट बीना, जो आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया इनसाइट्स के हवाले से, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट मिस हलीमा, जो हमें कुछ सवालात के जवाबात देंगी और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करेंगी। जी मिस हलीमा, आप सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस हलीमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहरिया में कमर्शियल बिजनेस और कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्रिसन कौन सा रहेगा? अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड, तो इस वक्त के टाइम के ऊपर जो हमारे मेन कमर्शियल हब हैं, जो कि बहरिया टाउन कराची के कमर्शियल हब कहलाए जाते हैं, जो कि एक है मेन जीना एवेन्यू और एक आपका कमर्शियल आता है हेरिटेज क्लब कमर्शियल, ठीक है। इस वक्त के टाइम के ऊपर जो हेरिटेज क्लब कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत फेमस एक हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो है एक्यू सुपर मार्केट के हवाले से। मिस हलीमा, आप हमें ये बताइएगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से प्रिसन 19 में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रिसन 19 की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट तो मैं ये बात करूंगी कि इस वक्त जो भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो किसी भी कमर्शियल पे बाइंग करने के लिए उसका सराउंडेड एरिया डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन आपका वो कमर्शियल चलता है। तो आज हम बात करेंगे एक्यू सुपर मार्केट की, जो कि प्रिसन 18 में हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास हेरिटेज क्लब कमर्शियल के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो कि हेरिटेज क्लब कमर्शियल में एक्यू सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट है, जो कि टोटल हमारा इस वक्त 9000 गज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास मेन लेजेंड्स बहरिया के इस प्रोजेक्ट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सबसे मेन पॉइंट आपका इम्तियाज स्टोर, जो कि इम्तियाज स्टोर को फेसिंग कर रहा है ये प्रोजेक्ट। प्लस हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि हमारे बहरिया के अपार्टमेंट इसके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। टावर्स हैं, टोटल 26 टावर हैं बहरिया के, उसमें हमारे पास कुछ फैमिलीज भी हमारे पास रह रही हैं, वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपका थीम पार्क कमर्शियल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है, बहरिया हॉस्पिटल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है। तो ये बहुत मेन लेजेंड्स हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा फैमिलीज का फ्लो, जहाँ पे फैमिलीज आके रुक। आपका PSO पेट्रोल पंप, जो कि बहरिया का सबसे पहला पेट्रोल पंप, बिल्कुल इसके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आता है। इसकी लोकेशन इस वक्त के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन कहलाई जाती है, क्योंकि किसी भी कमर्शियल, अगर हम एज अ क्लाइंट एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो किसी भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को बाय करने के लिए उसका सराउंडेड एरिया डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, देन आपका कमर्शियल चलता है। तो एक्यू सुपरमार्केट का सराउंडेड एरिया डेवलप है, फैमिलीज का फ्लो है आपका, ठीक है, फैमिलीज वहां पे रह रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त के टाइम के ऊपर जो आपका कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को एक्यू सुपरमार्केट में बाय करने का बहुत अच्छा चांस है इस वक्त, जो कि हमें इस वक्त प्री लॉन्चिंग डेट के ऊपर, बुकिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम हलीमा, ये तो बात हो गई, तमाम आपने बेसिक डिटेल्स हमें दे दी, अब आप इसके इन शॉप्स की प्राइजेस और पेमेंट प्लान के हवाले से हमें ज़रा मज़ीद आगाह कीजिएगा। एक तो हम पेमेंट प्लान के हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, पहले भी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें जो हमारे पास फ्लोर वाइजेस जो शॉप्स आ जाती हैं, वो आती हैं जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, लोअर ग्राउंड है, और बेसमेंट में हमारे पास दो फ्लोर की पार्किंग आ जाती है। ये है हमारी बिल्डिंग की प्लानिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास सुपरमार्केट में जो इस वक्त के टाइम के ऊपर 9000 गज के ऊपर काफी बड़े एरिया के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। टोटल 5 प्लॉट्स के ऊपर ये बिल्डर्स बना रहे हैं, और ये जो बिल्डर्स हैं एक्यू बिल्डर्स हैं, किसी भी बिल्डर की प्रोजेक्ट में बाइंग करने का उसका प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, जो कि इस वक्त एक्यू बिल्डर का प्रीवियस बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट टू द टाइम डिलीवर हो रहे हैं, टू द टाइम इस पे काम चल रहा है आपका। इस वक्त के टाइम के ऊपर अगर हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के हवाले से, जो कि इस वक्त सबसे मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, इस वक्त के टाइम के ऊपर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी एक्यू सुपरमार्केट की, जो कि हमारे पास फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड। इस बिल्डिंग के 3 एंट्रेंस हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ इम्तियाज फेसिंग्स भी हैं, इसमें हमारे पास PSO फेसिंग्स भी हैं, इसमें बहरिया के हॉस्पिटल फेसिंग्स भी हमारे पास आ रहे हों। इस वक्त मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, इस वक्त के टाइम के ऊपर 40 लाख रुपीज़ की ग्राउंड फ्लोर की शॉप भी है, इसमें हमारे पास 60 लाख की भी शॉप्स है, जो कि अभी जस्ट हमने डाउन पेमेंट करनी है 12 लाख रुपये ग्राउंड फ्लोर की। इसमें जो हमारे पास इम्तियाज फेसिंग शॉप्स हैं, उसमें हमारे पास जो डाउन पेमेंट है वो टोटल 30 लाख रुपीज़ है, और 500 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, 400 स्क्वायर फीट की बड़ी शॉप्स हैं। इस वक्त बिल्डिंग के साइजेस कैटेगरी की बात करते हैं, इस वक्त हमारे पास 115 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, 180 स्क्वायर फीट की शॉप है, 170 स्क्वायर फीट की शॉप है, 200 स्क्वायर फीट की शॉप है, 250 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, जो कि हमारे पास 300, 400, 500 एंड 600 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वक्त हमें जो है, जो हमारे पास सबसे मिनिमम रेट है ग्राउंड फ्लोर का वो 40 लाख है, उससे में मैक्सिमम पे जाते हैं तो 60 लाख आ जाता है, फिर 70 लाख है, उससे लास्ट हमारे पास 180 तक की भी शॉप्स हैं, इवन 110 तक की भी शॉप्स हैं, जो कि अभी जस्ट हमें 3 साल के प्लान के ऊपर पड़ रही हैं।
इस वक्त के टाइम के ऊपर मैं आपसे ये बात करूंगी कि सबसे ज्यादा हिडन आती है हमारी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इस वक्त हमें बिल्डर की तरफ से ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ना मंथली इंस्टॉलमेंट ना क्वार्टरली, जस्ट ऑफ जस्ट बी एनुअल 3। हर 6 महीने के बाद हमें अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जो कि 3 साल के अंदर हमें हर 6 महीने बाद 5 इंस्टॉलमेंट आ रही है। एक पोजिशन अमाउंट आ रहा है, एक डाउन पेमेंट अमाउंट आ रहा है। उसके बाद आपको आपकी बिल्डिंग का 10 अक्टूबर 2023 के अंदर पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा। अगर हम इस पर बात करते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट डाउन पेमेंट है, ठीक है, उसके बाद हमने दिसंबर में डिगिंग अमाउंट पे हमने पेमेंट करनी है, फिर हमने अप्रैल में अपनी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है, देन हम 6 मंथ के बाद अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जो है वो इस वक्त के टाइम के ऊपर, जो कि हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम की मैं बात करूंगी, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर आपके मोबाइल मार्केट है। इसमें हमारे पास मोबाइल मार्केट के अंदर आप इसके अलावा, अगर मोबाइल मार्केट के अलावा अगर कोई और शॉप भी आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, पर मोबाइल मार्केट इस वक्त जो जिस लेवल के वहाँ पे ब्रांड्स ने बुकिंग करवाई है, तो मोबाइल मार्केट इस वक्त पहले टाउन की सबसे बड़ी लेवल के ऊपर ये ओपन होने जा रही है। 19,25,000 रुपए की सबसे छोटी शॉप है, जिसमें अभी जस्ट हमने 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है। इंस्टॉलमेंट आ रही है 1,86,000 की हर 6 महीने बाद पे करने, ना मंथली ना क्वार्टरली। प्लस हमारे पास जो है वो 130 स्क्वायर फिट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास 130 स्क्वायर फिट की शॉप तकरीबन 22,50,000 रुपए की पड़ी है। एक और बेस्ट चांस ये है कि हमारे 10th ऑफ अगस्त को एक ही सुपरमार्केट के रेट इंक्रीज कर जाएंगे, तो इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको बाय करने के लिए। सबसे मेन इशू आता है पार्किंग का, जो कि इस प्रोजेक्ट में आपको हर शॉप के साथ एक गाड़ी की पार्किंग भी दी जा रही है। ये भी हमारे क्लाइंट के लिए एक बेनिफिट ऑप्शन है जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे हमारे रेंटल इनकम पे, जो हमारे एंड यूजर इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए जो रेंट आउट करना चाहते हैं उनके लिए रेंट के ऊपर भी काफी फर्क आ सकता है, जो कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं लिबर्टी कमर्शियल पे, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है वो इस वक्त अगर विदाउट पार्किंग वाला है तो उसमें अगर हमारे फर्ज करें सबसे छोटी दुकान का रेंट 30,000 आ रहा है, तो इस शॉप का रेंट आपको 40,000 आएगा। तो रेंट पार्किंग की वजह से आपके प्रोजेक्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा मैम, हलीमा ये बताइएगा कि अगर आपके पास लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं AQ सुपरमार्केट पे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके ये इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगी? जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी बताया कि AQ बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम सेफ एंड सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं और प्रॉफिटेबल के बात करते हैं, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं, जो कि अबुल कासिम बिजनेस सेंटर है जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इनका सेकंड प्रोजेक्ट अब्दुल समद ट्रेड सेंटर है। अब्दुल कासिम बिजनेस सेंटर जो कि विद इन अ टाइम 3 मंथ्स के अंदर हमें डिलीवरी मिल रही है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, जो कि इस वक्त के टाइम के ऊपर हमारे ऑफिसेस अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रॉफिट के ऊपर है। इस वक्त के टाइम के ऊपर जो कि बुकिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास एक बेस्ट चांस होता है एज अ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके उस लेवल के ऊपर जाके बुकिंग वाला इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो इस लेवल पे कि बुकिंग में रेट अलग होता है, डिफरेंट होता है, डिगिंग पे रेट डिफरेंट होता है, जब उसकी ग्राउंड की फर्स्ट की सेकंड की छत डलती है तो उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट बायर होता है, जिसने हमारे फर्स्ट प्री लॉन्चिंग में ली होती है, तो उसके लिए एक प्रॉफिट होता है। इस वक्त AQ बिल्डर की हमें इस वक्त के टाइम के ऊपर प्रीवियस 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं। कम से कम इस वक्त 6-7 लाख रुपए कम से कम प्रॉफिट पे हैं। अगर हम ज्यादा मैक्सिमम की बात करते हैं 15 लाख रुपए ओन पे भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ऑफिसेस दिए थे 550 स्क्वायर फिट के, 1100 स्क्वायर फिट के ऑफिसेस थे, कुछ हमारे पास शॉप्स थी, शॉपिंग मॉल था जो कि सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल भी हमें दिया गया था AQ मॉल के अंदर, उसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपार्टमेंट्स शॉप्स कमर्शियल एंड ऑफिसेस प्रॉफिट पे खड़े हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि इस वक्त के टाइम के ऊपर यही इन्वेस्टमेंट भी इसी वक्त जैसे इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे वो एक टाइम के ऊपर हमारे पास रेट्स इनिशियल स्टेज पे प्री लॉन्चिंग पे आए थे। और आज भी जो बीना आपने मुझसे ये सवाल किया कि प्रॉफिटेबल की बात करते हैं, तो 10th अगस्त को हमारे रेट वैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि हमारे रेट इंक्रीज 5,000 पर स्क्वायर फिट करेगा, जो कि मिनिमम शॉप के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटे साइज की दुकान जो कि इस वक्त हमें पड़ी है 19,25,000 रुपए की टोटल दुकान, तो कम से कम 4 लाख रुपए का 5 लाख का हमारा जंप आ रहा है। और हम इसको अपने डाउन पेमेंट के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि अब 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद अगर हमारा रेट इस वक्त इतना इंक्रीज करता है, इट्स अ बेस्ट चांस फॉर इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इस वक्त अपने अमाउंट को ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त के टाइम के ऊपर AQ बिल्डर का जो है वो सराउंडेड एरिया की मैं बात करूंगी, नीचे आपकी जो लोअर ग्राउंड की कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी इस वक्त के टाइम के ऊपर हमें 16,000 पर स्क्वायर फिट का रेट है, तो इसका रेट हमारा रिवाइज करके जा रहा है, जो कि हमारे पास तकरीबन 21,000 के ऊपर जंप हो रही है। तो मींस 21,000 मींस 5,000 रुपए का फर्क ये है कि आपके जैसे जैसे साइजेस
शॉप के बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपके रेट भी बढ़ेंगे। जी मैम हलीमा, हम अपने लास्ट सवाल की तरफ आते हैं, वो ये है कि इन शॉप्स की जो रीसेलिंग है वो उनको रीसेल करना कितना ईजी है और इनकी वैल्यू क्या हो सकती है आगे जाकर। जैसे मैंने अभी प्रीवियस अपने आंसर में आपको ये बताया कि इस वक्त के टाइम के ऊपर रीसेलिंग की बात करते हैं, जो इस वक्त 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट शॉप ले रहा है वो ऑलरेडी 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जा रही है, तो 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हमारा रीसेल के ऊपर विद इन 6 मंथ में, और मजीद रेट डिगिंग के टाइम हमारा रेट ऑलरेडी इंक्रीज और हो जाएगा, तो हम उसमें अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं रीसेल के ऊपर। प्री लॉन्चिंग में हमें यही बेनिफिट होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट में हम बाइंग करते हैं जो प्री लॉन्चिंग में अगर बाइंग होती है, और प्लस जब वो प्रोजेक्ट आता है डिगिंग टाइम के ऊपर तो काफ़ी उसके ऊपर रीसेल हो सकती हैं हमारी चीज़ें। तो नाज़रीन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सस्ती दुकानें खरीद सकते हैं क्योंकि आगे इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप रब्ता कीजिए, जो हमारे एक्सपर्ट मिस हलीमा का नंबर है उनसे रब्ता करें और मज़ीद डिटेल्स हासिल करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।